फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करने पे वीडियो कॉल की स्क्रीन अगर ऑफ हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर देखिए सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में एंड्रॉइड सिस्टम टैप करना है। अगले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे आना है। यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम यूआई पे भी टैप करना है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अंदर भी आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आप चालू रखिए, इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है आपको अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप ले लेना है अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।